नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को लेकर जो है किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले कुछ दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इसी दौरान ठिठुरती ठंड में बहुत से किसान जो है शहीद हो गए हैं, जिसको लेके आज यहाँ पे समाज सेवी सरजीत चौकन और आम आदमी पार्टी के हरिनगर वार्ड अध्यक्ष मोहित चौकन जी के द्वारा जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और एक कैंडल मार्च निकाला गया उन किसानों के लिए जो दिल्ली के बॉर्डरों पर शहीद हो गए हैं। आज आप लोगों के द्वारा किसान जो आंदोलन में आंदोलन कर रहे थे शहीद हो गए, उनको लेके आप लोगों ने देखिए जी, जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है, आज हमने कैंडल मार्च निकाला है, और हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को कि ये लड़ाई अन्नदाताओं की तो है ही, जब हम उनके अन्न से अपना पेट भरते हैं, और जो हम आज देख रहे हैं कि सरकार 35 दिन हो गए उन किसानों को ठंड में मरते हुए शहीद हो गए, लेकिन सरकार बात नहीं मान रही है। अब ये आंदोलन एक एक व्यक्ति का दिल्ली के अंदर बढ़ेगा, गली मोहल्ले में जाएगा, एक एक चौपाट पर जाएगा, और किसान देखिए जी, जो यहाँ पर रहते हैं वो भी किसान के बेटे ही हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, हम जानते हैं किसान की मजबूरी कितनी होती है, और आज वो बेचारा अपना घर बार छोड़ के वहाँ पर आंदोलन कर रहा है, शहीद हो गए। और हम सरकार से अपील करते हैं जल्दी बात मानी जाए, ये तो आज हमने शुरुआत की है, हर विधानसभा में हर वार्ड के अंदर हम ये चिंगारी जलाएंगे और अपने किसानों की हेल्प करेंगे। बीजेपी का कुछ और कहना, बीजेपी कहती जो अब ये तो खुद वॉशिंग मशीन लेके घूमते हैं, जो दोषी इनकी पार्टी में आ जाए वो शुद्ध हो जाएगा, जो नहीं तो और दिन के लिए सब आतंकवादी हैं, जो इनकी पार्टी में वो राष्ट्रभक्त हैं। अरे बताइए ना, 2014 में कहा था कि हम आएंगे, तो स्वामीनाथन कमेटी के जो सिफारिशें उनको लागू करेंगे, पंजाब से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का किसान चाहता है कि उनकी कनक 7,000 रुपये क्विंटल बिके, MSP लागू की जाए, ये कहते हैं MSP के ऊपर है, आज किसान कैसे भटक रहा है? जैसे MSP पहले थी आगे है और MSP बढ़ाई, तो आप लिखित में गारंटी दे दीजिए ना, आप लिखित में गारंटी दीजिए किसान को कि MSP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और जो ये 3 विधेयक जो लेके आए हैं जिनके अंदर आप मंडी से लेकर मजदूरों तक खत्म करने की प्रथा बनाने वाले हैं, इसको बंद कीजिए। आज ये बताइए, कानून ये अध्यादेश आता है, अब अध्यादेश आता है, उससे 4 महीने 5 महीने पहले वेयर हाउसिंग की तैयारी हो जाती है, जगह जगह आजकल आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं जियो का और उसका अडानी जी का गेहूँ आ रहा है, रेल भी आपने इनकी कर दी, गेहूँ भी इनका कर दिया, मोबाइल भी इनका कर दिया, किस दिन बाद पता लगेगा दिल्ली देश के अंदर जो हवा में ऑक्सीजन ले रहे हैं आप लोग उसमें अडानी अंबानी खाना कहेगा। देखिए जी, आप एक बात बताइए, आज हम बदरपुर विधानसभा में देख रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं वो एक चौपाल लगा रहे हैं, किसानों के विरुद्ध चौपाल लगा रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये जी, ये श्रद्धांजलि किसानों के लिए दी जा रही है, और आगे भी हर वार्ड में ये प्रोग्राम करे जाएंगे, हमारे किसानों को जो उन्होंने वादे करे हैं, तो किसान जो स्वाधीन रिपोर्ट लागू करे। भाई मैं पहली बात करना चाहता हूँ, चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर साइन वाक पे लोग बैठे हुए थे, कुछ वही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है। पहली बात तो ये बताओ, दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वो क्यों नहीं हटाते उनको? जब आज के लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार, अपना हक मांगने की बात, और भाई चोरी चाटी चलती रहती है, सब अपने अपने पत्ते आरोप किसी न किसी के ऊपर लगाते रहते हैं, मगर जो किसानों की बात करेगा वही असली हकदार होगा उसके। मतलब अरविंद केजरीवाल जी किसानों की बात करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं, आप देख सकते हो जब से किसान आए हैं उनके खाने की व्यवस्था हो, उनके कपड़ों की व्यवस्था हो, हर चीज़ की व्यवस्था, आज ही आपको पता लगा होगा किसानों के यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत आ रही थी, आज ही दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से वहाँ पर वाईफाई की फैसिलिटी दी है। ठंड में यहाँ पे निकले हो और किसानों को देखो जी, जब दुकान है तो पड़े दुख पाने की बात है कि सुख में होटल तो बदल बैठे हुए होटल वहाँ बैठे हुए, ये सब किसानों के पीछे चल रहे हैं, किसानों के बीच हलपति के पीछे लखपति है, और किसान ही दुख पा रहे, किसान की कोई सुने ना है। अच्छा बाबा, उम्र कितनी है आपकी? मेरा 20 को, तो मैं 19-20 को, 1920 का। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो है
शहीद हुए किसानों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, कैंडल मार्च निकाला गया था जो कि हरिनगर वार्ड के चौकन वाटिका से लवकुश चौक तक गया और यहाँ पे जो है इन सभी लोगों ने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की किसानों को जो शहीद हुए हैं। और जैसे कि सरजीत चौकन जी ने बताया कि किसान आंदोलन को लेके अन्नदाता के लिए जो है मोदी सरकार जो है जो बिल लेके आई है वो किसानों के खिलाफ है, जिसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही आने वाले समय में वो अनेकों प्रदर्शन किए जाएंगे किसान बिल के विरोध में, ऐसा सरजीत चौकन जी का कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, आने वाले समय में कितने दिन तक ये आंदोलन चलेगा, और अगर जो किसानों की मांग है बिल वापस लेने की और उसमें संशोधन करने की, क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी मोदी सरकार उसमें करेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।